क्लास 7 हिस्ट्री चैप्टर 4 द दिल्ली सल्तनत 1206 to 1526। इसमें जो इंट्रोडक्शन, इसमें जो चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, द स्लेव डायनेस्टी, द खिलजीज, द केस स्टडी ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, द सैयद डायनेस्टी, द लोधी डायनेस्टी एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर दिल्ली सल्तनत। अब यहाँ पर फर्स्ट जो टॉपिक है सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ दिल्ली सल्तनत, तो हमें उस समय के जो बताया जा रहा है कि उस समय के बारे में हमें किस सोर्स इसके बारे में जानकारी पड़ती है, तो उस समय की जानकारी हमें उस समय की जो इंस्क्रिप्शन है या कॉइन है या जो उस समय के जो लोगों ने उस पीरियड के बारे में अपनी किताबों में लिखी, उससे हमें उस समय के बारे में जानकारी मिलती है। फर्स्ट द स्लेव डायनेस्टी यानी गुलाम वंश से कहते हैं 1206 to 1290। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में ये कहा जाता है कि वो मोहम्मद गौरी का गवर्नर यानी कि सेनापति भी था। जब मोहम्मद गौरी यहाँ से जीत कर वापस जा रहा था तो उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सौंप कर वो चला गया, और कुतुबुद्दीन को यहाँ पर कहा गया कि वो इस चीज़ को यहाँ पर देखे। कुतुबुद्दीन ऐबक कंसोलिडेटेड हिज पावर थ्रू द मैट्रिमोनियल अलायंस, बीइंग स्लेव ही फेस्ड ग्रेट रेजिस्टेंस फ्रॉम हिज नोबल्स। मगर उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली का अपने को स्वतंत्र राजा घोषित किया। उसके साथ साथ ही उसने यहाँ पर ही कंस्ट्रक्टेड द इस्लामिक मॉन्यूमेंट द कुवैतुल इस्लाम मॉस्को वन इच एट दिल्ली एंड अजमेर। उसने एक इस्लामिक मस्जिद भी तैयार किया जिसे कुवैतुल इस्लाम भी कहा जाता है, जो दिल्ली और अजमेर में ही में है। ही ऑल्सो स्टार्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द कुतुब मीनार, द मेमोरी ऑफ सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। उसने दिल्ली का जो मशहूर कुतुब मीनार है उसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, जो उस समय के मशहूर सूफी संत जो थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी उसके याद में उन्होंने किया था। ही डाइड इन द 1210 ड्यूरिंग द फॉल फ्रॉम द हॉर्स वाइल्ड प्लेइंग चौगन, पोलो खेलते वक्त घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई। नेक्स्ट है इल्तुतमिश 1211 to 1230। इल्तुतमिश वाज द स्लेव ऑफ ऐबक, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। बाद में वो उसकी बेटी के से विवाह करने के बाद वो उसका दामाद बन गया, और उसके बाद उसका दिल्ली के का बादशाह भी बन बैठा। द 40 टू हेल्प हिम इन द सरप्राइजिंग हिज एनिमीज, उसने एक 40 लोगों का एक संगठन बनाया था जिसे चालीसा भी कहा जाता था, जो उसके युद्ध के समय में उसे मदद पहुंचाते थे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है रजिया सुल्तान 1236 to 1240। आफ्टर द डेथ ऑफ इल्तुतमिश हिज डॉटर, इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसकी जो बेटी थी रजिया सुल्तान वो गद्दी पे बैठी। हिज डॉटर असेंडेड द थ्रोन इन 1236, 1236 में वो राजगद्दी पे बैठी। बिंग ए वुमन सी हैड फेस अ ग्रेट अपोजिशन एंड रिवोल्यूशन फ्रॉम द नोबल्स, एक महिला होने के कारण उन्हें बहुत सारे विद्रोह का भी सामना करना पड़ा था। सी रोड हॉर्सेस एंड लीड हर आर्मी इन द बैटल फील्ड। सी वॉज द हाउ एवर डिफिटेड बाई द अल्तुनिया इन द गवर्नर ऑफ द श्रीहन एंड द लीडर ऑफ द नोबल्स। वो घोड़े पर बैठती थी और सैनिकों की तरह कपड़े भी पहनती थी। उसने अल्तुनिया के गवर्नर को भी युद्ध में हराया था। बाद में उसने अल्तुनिया के गवर्नर जो थे उसके साथ ही उसने विवाह भी किया था। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा गयासुद्दीन बलबन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।